अभी हमारा भाई गया बाहर तो देखा कि उन्हीं लोगों के 10-15 लोग खड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के बाहर गेट पे खड़े हुए हैं इधर मारने के लिए। तो मारने के लिए खड़े हुए हैं सर जब खड़े हुए 10-15 लोग, कोई रीजन नहीं है तो मारने के लिए खड़े हुए सर। दबंगों ने घर में घुसकर परिवार को किया लहूलुहान। यूपी में सरेआम गुंडागर्दी करना बच्चों का खेल बन गया है। अपराधमुक्त प्रदेश बनाने के योगी के दावे कोरे जुमले साबित हो रहे हैं। दबंगई की ताजा खबर बरेली से है, जहां मामूली कहा सुनी के बाद दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया। बरेली के मोहल्ला संजय नगर का सर्वेज बाइक से कहीं जा रहा था, सामने से आरोपी तेजी से तांगा दौड़ाता हुआ आया, जिससे सर्वेश चपेट में आने से बाल बाल बच गया। आरोप है कि सर्वेश ने तांगा धीरे चलाने को कहा, इस पर वह भड़क गया और पहले वही सर्वेश को पीटा। राहगीरों के बीच बचाव करने पर आरोपी कुछ ही देर बाद अपने आधा दर्जन साथियों के साथ सर्वेश के घर में घुस गया और बूढ़ी महिला समेत पूरे परिवार को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुमति। यहाँ आज इमरजेंसी में आई है, चोट वोट लगी है आपकी, क्या हुआ था? जे का कहे तो हम लोग जे अंकल तुम्हारे सोए रहे, जे जो लड़का है मारो सर्वेश नाम उसको कौन मारो, तो हम गए लेकर के इन्हें सोच से जगाओ, तो हम लोग भेज जे सब इतना होता ही गए बे भाज के 4-5 जने आए तो इन्हें मार लो। हमें मार रवि कुमार। क्या मामला हुआ था? इमरजेंसी मामला ये हमारा छोटा भाई था, वो उधर से आ रहा था बाइक लेकर के, इधर से एक टांगे वाला जा रहा था, तो उससे तो कुछ बात हो गई होगी, तो उसने गाली पकड़ना चालू कर दी इनको, सर्वेश कुमार छोटे भाई को, तो इन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने चाबुक से मारना स्टार्ट कर दिया। चाबुक से मारना स्टार्ट कर तो हम लोग गए बचाने के लिए, इतने में उन्होंने अपने जो 5-6-10 लोग अपने उन्होंने बदमाश बुला लिए, फिर हम लोग अपने घर पर आ गए थे इधर, फिर घर पर घुस करके ये लोग सबको मारा, मम्मी को मारा, पापा को मारा, छोटे भाई को मारा, इसको मारा। कितने लोगों को मारा? 4 लोगों को मारा सर। 4 लोगों को मारा। बाकी हम तो भाग किन लोगों को मारा पहचानते हैं लोग? हाँ सर पहचानते हैं सर। क्या नाम है लोग? एक का नाम रेशम बाल है, एक का नाम योगेंद्र है। अच्छा, और बाकी तो मैं नहीं जानता हम तो। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लेकर कैसे पहुँचे सब लोगों को जो? वो तो हम पहले थाने गए थे, उन्होंने 112 फ़ोन करा, 112 वाले आए थे, तब 112 वालों ने वो आप थाने आइए, थाने में जो है थाने में आकर के तभी उन्होंने कहा कि आप इनका मेडिकल होगा, फिर मेडिकल में यहाँ पर आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार है। क्या मामला हुआ था इमरजेंसी? मामला ये हुआ था कि वहाँ नाला खुदा हुआ था, मैं वहाँ से गाड़ी लेकर आ रहा था, एक टांगा वाला था और जो है गलत साइड पे आ गया था, उससे मैंने केवल इतना बोला कि भैया आप जो है गलत साइड पे आ गए हो और आपकी वजह से जो है जाम लगता है यहाँ पे। फिर इतनी ही देर में उसने मुझे गाली बक दी, फिर जवाब में मैंने जब उसके गाली बक दी, फिर उसने मुझे जो है अपने जो चाबुक होता है उससे उन्हें जो मेरे गर्दन पे उन्हें मारा मुझे, फिर इतनी ही वापस मतलब जो है झगड़ा हो गया वहाँ पे, फिर मारने लगा वो। रास्ता गिर सही टांगे वाला है? आपके आपके मोहल्ले का था? नहीं मोहल्ले का नहीं था भाई, थोड़ी दूर मतलब आगे ही रहता है, संजय नगर का ही है वो भी। पहचानते हैं आप? पहचानते तो है, हाँ जानते मैं भाई, आगे जो गली में रहता है महाजन वाली गली में। कुछ नाम पता है तो? एक का नाम योगेंद्र है और एक का नाम है विषमपाल है, विषमपाल है, बस दो लोगों का नाम जानता हूँ, बाकी जो और है। कितने लोगों को चोट लगी है? हमारे तरफ से जो 4 लोगों को चोट लगी हुई है। तो काहे से मारा था आपको? उन लोगों ने जो एक नाम लाठी लेकर आए थे, वो लोग वहाँ से कहाँ उन्होंने फोन कर दिया, फिर वो लोग लाठी लेकर आएगा तो उनकी तरफ पे सभी लोग। ये बता रहे हैं घर में घुस के मारा? हाँ भाई हमारे पास में गली भाई हमारा घर है भाई, आ गए 7-8 लौंडे हमारे ताऊ के है, ताई की है, हमारे भैया के है, मेरे चोट लगी है। आपके लगे? हाँ। क्या वजह क्या थी जो आपको मारा? वजह यही थी कि मतलब जो वहाँ पे जो स्पेस कम था, अब वो अपना टांगा लेकर जो गलत साइड पे आ गया था, मैंने उसे टोका, मैंने भैया आप जो गलत साइड पे आ गए आपकी वजह से यहाँ पे जाम लगता है, बस इतनी देर में फिर उसने मुझे गाली बक दी।